तो मैं कुछ हट के बना रहा, ये गाड़ी कल रेडी होगी मेरे, कल रेडी होगी। ठीक, गाड़ी पूरी हमारी खुली पड़ी है, देख लो गाड़ी में जो बैठेगा तारीफ ही करेगा। हमारे पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल हमारे पास दोबारा, हमारे साथ है हमारे अनिल भाई। हाँ जी भैया। तो अनिल भाई आज क्या दिखाने वाले हो ग्रैंड विटारा वाले भाइयों के लिए? पहली वीडियो में कैमल कलर दिखाया था, फिर ऑफ व्हाइट कलर दिखा दे, नहीं सॉरी ऑफ व्हाइट नहीं, कैमल कलर का दिखाया था, फिर उसके बाद कॉफी ब्राउन दिखाया, कॉफी ब्राउन दिखाया। मैं कुछ हट के बना रहा हूँ, ये गाड़ी कल रेडी होगी मेरे, कल रेडी होगी। ठीक है, अभी शाम के टाइम आइए, लेट आइए गाड़ी, नहीं तो कोशिश यही रहती है कि सेम डे आपको गाड़ी निपटा के हम लोग दे दे। 4 बजे गाड़ी आई है, इसलिए आप स्टे करिए यहीं पे, एमपी से दूर से आए तो हाँ सेम डे तो पॉसिबल भी नहीं है वैसे भी। बाकी एमपी वाले भाई लोग को मॉडिफिकेशन का बहुत शौक रहता है, तो एमपी वाले भाई बढ़िया काम करा के जाते हैं यहाँ पर। तो अभी दिखाऊं मैं आपको, गाड़ी पूरी हमारी खुली पड़ी है, देख लो डैम्पिंग वगैरह का सारा काम इसके अंदर चल रहा है, डैम्पिंग हो गया, स्पीकर मोस्टली काम ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब आज मतलब जितना कोशिश करेंगे रात तक निपटाने की निपटा देंगे, चेकआउट करके कल सुबह मिलेंगे, चेकआउट करके पूरा काम, ये नहीं कि सिर्फ काम करके गाड़ी दे दी कस्टमर को, पूरा चेक करने के बाद, पूरा चेक करने के बाद एक एक चीज प्रॉपर चेक करने के बाद फिर गाड़ी दी जाती है कस्टमर को। तो उस चीज से आप लोग समझ सकते हो काम की क्वालिटी किस हिसाब से आपको प्रोवाइड करी जाती है यहाँ पर। इधर आप लोग देखो भाई हमारा डैम्पिंग हो रही है इसके अंदर, लेजेंड रशियन डैम्पिंग है। तो ये डैम्पिंग आप लोग देख सकते हो ड्यूअल बैबर्ड की है, 2.6 mm, 2.6 mm है। और इसकी जो बाहर की परत है ना ये वैसी नहीं है, ये एल्युमिनियम की परत है, एल्युमिनियम की परत है। तो इसकी लेयर जो है सारी एल्युमिनियम और काफी बढ़िया डैम्पिंग है रहने वाली है। ठीक है, बाकी जैसी जैसी गाड़ी कन्वर्ट उतरेगी आपको हम दिखाएंगे, इसके अंदर काफी कुछ काम होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग को जरूर पूरी देखनी है। ठीक है, बाकी अपडेट आपको धीरे धीरे और वीडियोस में मिलता रहेगा, तो मिलते हैं आप लोग से अब कल, कल दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या काम रहेगा। देख सकते हो भाई गाड़ी हमारी पूरी सीटें वीटे सब खुल चुकी है इसकी, ये गाड़ी हमारी जानी है कल पर, तभी भी इसके अंदर काम चला। पीछे पार्सल ट्रे आप लोग देख सकते हो, अभी हम नेक्स्ट जनवरी इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अभी पूरी गाड़ी हमारी खुली पड़ी है, डैम्पिंग वगैरह हो चुकी है, सिस्टम का काम चल रहा है इसके अंदर। इधर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे सीट कवर रेडी हो रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का कलर हम इसके अंदर करने वाले हैं। मैं पहली बार ऑफ व्हाइट कलर बना रहा हूं, ऑफ व्हाइट कलर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो इधर आप लोग देख सकते हो ये सीट कवर हमारे चल रहे हैं, हमारे स्टाफ बढ़िया फिटिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे। 10 बजे तक काम चलेगा, 10 बजे तक, फिर मॉर्निंग में फिर सुबह सुबह आ जाएंगे लोग 8-9 बजे, फिर आके फटाफट काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये अगर गाड़ी आपकी एक दिन रुक भी रही है तो सुबह 11 बजे तक आपकी गाड़ी फाइनल करके हैंड ओवर आपके कर दी जाएगी चाबी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा काम चलता है, सारे भाई लोग अपने बैठे हुए बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, तो बाकी मिलते हैं आपसे कल, तो कल सुबह आते हैं, सुबह में मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे डिटेल में कि किस तरीके का काम हुआ, वहीं चलेंगे अपने अड्डे पे। ठीक है, भूली बटियार ये भूत महल पे, वहीं दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पहुंचे 1, 2 और 3 हमारी ग्रैंड विटारा यहाँ पर है। तो अनिल भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम आज कुछ नई चीज दिखाने वाले हैं। गाड़ी तीनों में 360 कैमरा लगे हुए हैं, तीनों का कैलिब्रेशन होगा। अच्छा, तीनों का बारी बारी कैलिब्रेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके का ये चेस वाला बोर्ड यहाँ पे लगा दिया जाता है, उसके बाद इनके थ्रू करी जाती है कैलिब्रेशन हमारी चारों तरफ गाड़ी के, हमने ये लगा दिया देख सकते हो। मैं इधर से आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो चारों तरफ ही लगाकर फिर बढ़िया तरीके से कैलिब्रेशन करी जा रही है। अभी पहले इस गाड़ी की होगी, फिर इस अपनी एमपी वाली की होगी, फिर आपको दिखाएंगे कैमरा, तो आपको पता ही है फिर वर्क किस तरीके से करता है। तो इस तरीके से होती है कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन इसके लिए अच्छी है, 360 व्यू चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि कैमरा टाकने से मतलब नहीं, इसका पूरा मतलब रूटीन गाड़ी के चारों तरफ बिल्कुल 0-0 कैमरा चलने चाहिए, बिल्कुल 360 डिग्री कहता है। हाँ, तो बिल्कुल वो उसी पोजीशन में खड़ी करके गाड़ी की, जैसे लेफ्ट लोगे, राइट लोगे, फ्रंट लोगे, बैक लोगे, तो उसके लिए वो 360 डिग्री कैलिब्रेशन होती है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं गाड़ी की तरफ लेकर चलते हैं एक बार किस तरीके से कैलिब्रेशन चल रही है। तो भाई कैसे होती है कैलिब्रेशन पुष्कर भाई? यहाँ से सेटिंग करना पड़ता है। तो देखो हमारी मास्टर टीम बैठी हुई है यहाँ पे, ये लोग कर रहे हैं कैलिब्रेशन गाड़ी की, ये देखो। अच्छा, इस तरीके से कैलिब्रेशन करी जाती है, देखो ये क्या बात है। तो ये देखो इस तरीके से कैलिब्रेशन करी, आज आपको ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ भाई भाई इस तरीके से 360 कैमरा कैलिब्रेट होता है। तो गाइज हमारी गाड़ी जो है ग्रैंड विटारा हो चुकी है फाइनल, तो इसके अंदर आज हमने अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल करे हैं, अलॉय व्हील भी इंस्टॉल हुए हैं। और ये आज हमारा नेक्स्ट डे है, तो आज तीन गाड़ी हमारे साथ है, 1, 2 और 1, ये 3 हमारे, और दो तीन जा चुकी है कैलिब्रेशन के लिए, हम लोग आए हुए हैं अभी। जिनमें 360 कैमरा था नहीं, नॉर्मल कैमरा था, वो तो जा चुकी है, नॉर्मल काम वाली, जो हैवी काम वाली वो सारी यहीं पे अवेलेबल है। और बाकी चल रहा है मेन, ये गाड़ी कल 4 बजे मिली थी मेरे को, एमपी की। ठीक है, बाकी इसमें मैंने वही पियानो करा जैसे हम हर बार आपको दिखाते हैं, ये देखो ये बेजल हमने पियानो वाला लगाया इसके अंदर। बाकी क्रोम का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहो तो क्रोम भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो ये आपको क्रोम चाहिए, क्रोम में मिल जाएगा। एक ही हमारा जो स्प्लिटर वाला लुक आप कह सकते हो, इस चीज को क्या कहते हैं भाई? एक्सटेंडर।
बम्पर एक्सटेंडर। तो वैसे ये स्प्लिटर वाला लुक आपको देता, गाड़ी काफी अच्छी लगती है। इससे फ्रंट प्रोफाइल से इतना ही करते हैं हम लोग। और इसके अंदर एलईडी डाली हमने, आज कितने वॉट की इसके अंदर? 180 वॉट जीवा, जैसे हमने पिछली वाली गाड़ी में डाल के दिखाई थी आपको। ठीक है भाई, देखो पिछली बार मैंने दिखाया था कॉफी ब्राउन इंटीरियर, हाँ, उससे पहले कैमल दिखाया था, फिर मैंने कैमल दूसरी दिखाया था कल वाली वीडियो में। अब मैंने इसमें देख रखा है XUV 700 का इंटीरियर, XUV 700 वाला इंटीरियर, तो आज आपको वो दिखाएंगे। XUV 700 टाइप का कलर हमने इसके अंदर यूज करा है। तो आपको साइड प्रोफाइल में मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे वाली क्लाइडिंग हमने लगाई है इसके अंदर, जो कि नेक्सा जेन्युइन रहने वाली है। ठीक है भाई, उसके बाद ही रूफ ये हमारे, सॉरी रूफ रेल कह रहा हूँ, डोर वाइजर हमारे जो है नेक्सा जेन्युइन हमने इंस्टॉल करे इसके अंदर। बाकी पीछे क्रोम आप लोग देख सकते हो, ये भी नेक्सा जेन्युइन है। गाड़ी गंदी हो रही है भाई क्योंकि बारिश हो रही थी दिल्ली में दो दिन से, हाँ। और आज सफाई वाला लड़का आया नीता भाई। और ये देखो ये भी नेक्सा जेन्युइन है, ये भी नेक्सा जेन्युइन है, हाँ। ठीक है, पीछे से मैं आपको दिखाऊं एक बार खोल के, तो ये देख सकते हो पार्सल ट्रे भी नेक्सा जेन्युइन है, ये भी हम लगाते हैं, हाँ। और जैसे मैंने साइड फिटिंग लगाई है, ये रिमूवल वाली लगी है। अच्छा, ये एक्सचेंज पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है ये। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसी के ऊपर चिपका दिया, चिपकाने वाला तो बेकार होता है, वो एक टाइम बाद उखड़ने लगता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज से बचें, नेक्सा जेन्युइन ही लगाओ, और फिट एंड फाइन बिल्कुल फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ये वाला पीस भी चेंज हो जाता है, ये वाला पीस के लिए शीशा चेंज होना पड़ता है। अच्छा, शीशा चेंज करना पड़ता है। बाकी इस पे चिपकाने वाला ऑप्शन मिल सकता है, मिल सकता है। अच्छा, ये तो कस्टमर को मिल जाएगा। तो अंदर आप लोग को हम लेके चलेंगे गाड़ी के, तो इधर आप लोग देख सकते हो डोर पैनल हमारा, सबसे पहले ये टीटी बंद करते हैं पहले। इधर आप लोग देखो डोर पैनल का हमारे पास चेंज ऑप्शन भी अवेलेबल है, पूरे डोर पैनल चेंज करवा सकते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो, हमारे पास अवेलेबल है। बाकी देख सकते हो हमने इसके ऊपर लेदर रैप करा पूरा, और ये सॉफ्ट टच में कन्वर्ट करा पूरा, देख सकते हो सॉफ्ट टच हमारा, और ये स्ट्रेट लाइन पूरा पैटर्न आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वाले जो पार्ट है ये भी आपको पियानो वाले मिल जाएंगे, देखो इसमें हुआ है पियानो, पूरा पियानो हुआ है। ठीक है, उधर स्टीयरिंग में आपको दिखाऊं तो हमने अगेन इसके अंदर ब्रेजा वाला लगाया, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रेजा वाला ही प्रेफर करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमारे हर गैरेज वाली दीदी ने लगाया था, हाँ। उन्होंने ये ब्रेजा वाला ट्रेंड चला दिया इस गाड़ी के अंदर, तो सबको ब्रेजा वाला स्टीयरिंग चाहिए। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम पता क्या हुआ, जैसे ये मीटर वाला पियानो हुआ है। अच्छा, मीटर वाला पार्ट भी हमने आज पियानो कर दिया, क्या बात है। तो ये टॉप मॉडल में भी नहीं आता है, तो ये कुछ अलग हटके करा, और ये वाला पार्ट भी हमने पूरा पियानो कर दिया। तो ये देख सकते हो भाई कुछ हटके काम करके दिया आज, ये देखो पूरा पियानो पियानो पियानो, तो ये पूरा हमने पियानो कर दिया, जो कि टॉप मॉडल में भी नहीं आता, नहीं आता। तो कुछ हटके काम कर दिया हमने आज। ठीक है, बाकी इसका इंटीरियर जो है XUV 700 की तरह XUV 700 की फिटिंग इतनी बेहतरीन है कि कहीं से सीट कवर में आपको एक बार दिखाऊं तो ये देख सकते हो भाई, सीट कवर की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो। उसके साथ हमने नेक सपोर्ट भी लगाया इसके अंदर, सीट कवर की फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल। 1% आपको रिंकल कहीं से देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, गाड़ी नहीं। में जो बैठेगा तारीफ ही करेगा, पूरी XUV 700 लग रही है, फुल लग्जरी बैठ। देखो ब्राउन सेट में या ब्लैक में गाड़ी दबी दबी सी लगती है, जैसे टॉप मॉडल आप लेते हो तो ये जो दरवाजा होता है ये वाला पार्ट, हाँ। ये ब्लैक में आता है, ब्लैक में आता है, टन सी महसूस होती है। इसमें बैठ के ऐसा लग रहा है थोड़ी खुली खुली सी, खुली खुली सी लग रही है, कलर काफी रिलैक्सिंग सा है। और दूसरी बात, इसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, गंदा करनी पड़ेगी, लग्जरी फील करोगे तो केयर तो करनी पड़ेगी। लग्जरी भाई, लग्जरी कार फिर आपको केयर तो करनी पड़ती है। सीट कवर आपको दिखा दी, आर्मरेस्ट आप लोग देख सकते हो, उसके ऊपर भी हमने स्टिचिंग करके पूरा लगाया। गियर नॉब हमने चेंज कर दी है इसकी, ये वाला एसी वेंट आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर का पार्ट हमने चेंज करा। पियानो ब्लैक हमने इसके अंदर एंड्रॉइड फ्रेम इंस्टॉल करा है, कार्डी K4 एम्बिएंट लाइट इसके अंदर हमने इंस्टॉल करी है। इसमें हाइपरसोनिक का माउथ लगा हुआ है, हाँ। 360 डिग्री कैमरा है, हाँ। लेंस के साथ। बाकी इसमें स्पीकर लगे हुए रेफरेंस के, हाँ। रेफरेंस सीरीज के कंपोनेंट हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, इधर भी एसी वेंट हो गया हमारा, और उधर वाला एसी वेंट भी हमने इंस्टॉल करा है। तो ये सारा काम इस गाड़ी के अंदर हमने आपको दिखाया है। इंटीरियर वाइज मेन हमारा जो था फोकस इंटीरियर पे था, तो मेन आपको इंटीरियर हम लोग ने दिखा दिया, इतना ही था आज के लिए। बाकी 360 का भी दिखा, 360 आपको दिखाते हैं अभी कैलिब्रेशन होने के बाद। तो पीछे का डोर भी आप लोग चेकआउट कर लो भाई इधर, और ये एम्बिएंट लाइट का लुक बहुत बढ़िया लग रहा है। मेन जो है ना कार्डी K4 एक अलग ही एम्बिएंट लाइट इन लोगों ने इंस्टॉल करी है। इधर ये देख लो, ये पियानो पार्ट आ गया हमारा। उसके बाद ये रियर सीट आप लोग देख सकते हो, आर्मरेस्ट भी, मतलब स्टिचिंग और फिनिशिंग कहीं पर भी आपको कमी देखने को नहीं महसूस होगी कहीं पर भी। इधर पूरा आप लोग देख लो, रियर सीट पूरा नेक्स्ट लेवल काम इस गाड़ी के अंदर हुआ है। तो ये पीछे का भी दिखा दिया, तो इधर से आप लोग देख सकते हो गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट से भी कितना बढ़िया लुक आता है। पूरा चेकआउट कर लो भाई, मजेदार पूरा एम्बियंस हो रहा है गाड़ी के अंदर। ये देखो, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो हमारी जो MP07 वाली गाड़ी है इसका हमारा कैलिब्रेशन चल रहा है अभी। तो इधर आप लोग देख सकते हो ये कैलिब्रेशन वाला सिस्टम यहाँ पे पूरा लगा दिया। मैं फिलहाल जब तक आपको दिखाता हूँ लाइट का थ्रो कैसे रहने वाला है हमारा। तो इधर से आप लोग देखोगे सामने की तरफ, तो ये हमारा लो बीम, ये लो और हाई बीम दोनों चेकआउट कर सकते हो आप। और इस जगह पे पूरा दिन निकल गया भाई, अंधेरा हो चुका है। ये देखो, अगर मैं ये बंद करके दिखाऊं आपको, ये सिर्फ DRL है हमारी, ये DRL की रोशनी है, ये लो बीम ये हाई बीम, दिन निकाल दिया भाई, मजा आ गया। तो गाइस आपको मैं दिखाता हूँ कैमरा की हमारी क्वालिटी, देख सकते हो नाइट विजन में भी बहुत अच्छी क्वालिटी। देखो अभी हेडलाइट ऑन है, जब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो उसके बाद देखो कैमरा कितना जल्दी स्टेबल हो गया और कितनी क्लैरिटी के साथ आपको कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे इस पर लाइट जलाओगे। हाँ, तो ये देखो,
अभी लाइट बंद है तो अभी ये क्लियर होता जाएगा। ये देखो लाइट ऑन कर देंगे तो थोड़ा अंधेरा सा छा जाएगा। ये देखो ये चीज है भाई हमारी, फ्रंट व्यू आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू हो गया, ठीक है भाई, ये फ्रंट व्यू हो गया। ये देखो अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो देखो कैमरा कितना क्लियर हो जाएगा। ये देखो बढ़िया एकदम, ये देखो 360 व्यू, चारों मैट दिख रहे होंगे। देखिए देखो चारों मैट दिखेंगे आपको, चारों कोने दिख रहे होंगे। हाँ ये देख सकते हो क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी।